Hey guys, welcome back to my new vlog. Sorry, not new vlog. So hello, वापस आ गई मैं रूम में. व्लॉग तो आपने पीछे सारा देख ही दिया होगा अभी तक. हाँ, तो हम रूम में आ गए, उसके बाद हमने कोई शूट नहीं किया, कुछ भी रास्ते में कोई वीडियो नहीं, कहीं हम रुके नहीं, कहीं हमने कोई खाया भी और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसकी फैमिली के साथ थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई फैमिली में कुछ, तो इसलिए उनका इमरजेंसी में निकलना पड़ा जम्मू. तो थोड़ा मूड उसका भी ख़राब हो गया था. एक्चुअली उनकी फैमिली में उनकी बुआ है, उनकी बूजी के बेटे की डेथ हो चुकी है आज सडन ही, और हार्ट अटैक हुआ है बड़ी माइनर एज में. आजकल बड़ा कुछ मतलब हो रहा लोगों के साथ, तो हम कुछ भी ये नहीं सोच सकते कि कल करेंगे ऐसा, कल ये होगा, कल वो होगा. नहीं भाई, अगले सेकंड का भी कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ठीक है, जो आया है उन्होंने जाना है, बुरा लगा वो सुन के. तो वो व्लॉग फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करने का मन भी नहीं किया. उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मैंने जो आपको बात बतानी थी लास्ट में, जो व्लॉग में बोला कि मैंने आपको कुछ बताना है, तो वो मुझे ये बताना था कि कल मेरे साथ हुआ बहुत गलत ये कि मेरी अपनी खुद की गलती की वजह से हुआ. मैं कल ऑफिस से आई रूम में, मैं थक गई थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोच ऐसे बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ करने को नहीं था मेरे पास, तो वेली बैठी थी. सोचा कि अपने फ़ोन की ना सिक्योरिटी लॉक वगैरह कुछ कुछ चेंज करते हैं वो, तो मैं अपने फ़ोन में अपना पासवर्ड चेंज कर रही थी. पासवर्ड चेंज करती थी, जो मेरा पुराना वाला पासवर्ड था वो वाला लगाना पड़ता जब भी आप न्यू पासवर्ड चेंज करना होता है, तो मैं पासवर्ड पुराना वाला लगाया, जब न्यू वाला कर रही थी वो कन्फर्म न्यू करना था, तो मेरा पास जो भी मेरा पासवर्ड था मेरा पुराना वाला. अब हमें हैबिट होती है जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो हम उसी पर हमारे हाथ चलते हैं हमारे, तो जैसे मैं कन्फर्म करने लगी तो वो मेरा पुराना और न्यू दोनों पासवर्ड मिक्स हो गए. वो जब मैं एंड में वो फ़ोन मेरा लॉक हुआ, मैंने पुराना वाला भी ट्राई करके देखा, मैंने न्यू वाला भी ट्राई करके देखा, और मैंने ये भी सोचा कि अगर मेरा दोनों नहीं लग रहे, अगर मैंने मिक्स भी कर दिया होगा तो मैंने शायद हो सकता है आगे के नंबर पीछे या पीछे के नंबर आगे ऐसे करके कुछ कर दिया होगा. बट मैंने बहुत ट्राई की, मतलब बड़े अटैम्प्ट के बाद वो फ़ोन बिल्कुल लॉक हो गया. तो उसके बाद वैसे भी आईफोन में ये प्रॉब्लम रहती है कि आप बिना पासवर्ड के फ़ोन लॉक हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते उसका, फिर वो इरेज ही करना पड़ता डाटा. एंड में मुझे ऑप्शन यही मिल रहा था कि डाटा इरेज करना पड़ेगा, फिर मुझे फ़ोन तो चला अब क्योंकि सब कुछ इसी के साथ लिंक है मेरा, तो फिर मैंने कर दिया चूज ऑप्शन, इरेज कर दिया सब कुछ, डाटा इरेज हो गया मेरा. डाटा इरेज होने की वजह से जितने मेरे फ़ोटोज़ थे, जितनी मेरी वीडियोस थी, जो भी सब कुछ, मतलब 2021 से ये फ़ोन मैंने यूज़ करी, मतलब उस टाइम से अभी तक के जितने फ़ोटोज थे सारे इस फ़ोन में थे, वो सब डिलीट हो गए, और वो मैंने कहीं पर सेव भी करके नहीं रखे थे. आई क्लाउड में, हाँ आई क्लाउड में वो आते हैं बैकअप के लिए, वो बैकअप भी मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस बैकअप के लिए भी पासपोर्ट था, वो भी वही सेम पासपोर्ट, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, और वो मान मतलब अटैम्प्ट भी नहीं हो पा रहा था. इस वजह से मेरा सारा जितना भी वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थी, सब डिलीट हो चुके हैं, सब कुछ डिलीट हो चुका है. ये फ़ोन बिल्कुल एक न्यू फ़ोन बन गया, नया फ्रेश फ़ोन, मतलब कि समझ लो अब नई लाइफ स्टार्ट करनी है, नए से सब कुछ. हाँ, शादी वगैरह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो तो सारी पेन ड्राइव में, लैपटॉप में पड़ी, मैंने लैपटॉप में भी ये डाटा सारा नहीं डाल के रखा, मुझे बहुत फील हुआ. हाँ, फिर उसके बाद ये सब मुझे जब सदमा लगा, फिर दोबारा से मैंने अपनी ऐप डाउनलोड की, सारी जितनी भी थी सब कुछ सब वापस से डाउनलोड किया, अपने इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट दोबारा से रिकवर किया, तो वो तो सब तो मुझे याद था, वो सब तो मिल गया. बट फिर यार मुझे एक चीज़ समझ आई कि हम जो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फ़ोटो डाल देते हैं या फेसबुक पे डालते हैं, अच्छी बात है, मतलब कुछ फ़ोटोज़ तो हैं जो मुझे मिल, मतलब जो मैं इंस्टाग्राम से ले सकती हूँ, मतलब जो मेरे पास इंस्टाग्राम में सेव है, अदरवाइज़ वो भी नहीं बचती, क्योंकि अभी तक मेरी इतनी फ़ोटोज़ थी जो मैंने सोचा था. बड़े सारे हम जहाँ जहाँ घूमने गए, मैंने कोई फ़ोटो अपलोड भी नहीं की थी शादी के बाद की, जितनी भी कभी घूमने वगैरह कहीं भी जाते थे मैं फ़ोटोज़ अपलोड ही नहीं करती थी, तो वो सारी भी अब मुझे दुख हो रहा कि मैंने क्यों अपलोड नहीं की, मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता था, और ऐसे भी मतलब बिज़ी ये वो वीडियोज़ ही, आजकल मैं जो वीडियोज़ वगैरह बना रही तो उस पर भी कहाँ इतना टाइम मिलता था, मैं वो अपलोड करती थी. बट मुझे फील सबसे ज़्यादा तब हुआ जब मैंने दो व्लॉग मैंने एडिट करके पूरे रखे थे. हम दिल्ली गए थे इसी मंथ के मिड वीक में, हम दिल्ली गए थे, हाँ मिड स्टार्टिंग के वीक में हम गए थे शायद से, हाँ. तो फिर वो जो वो वाला व्लॉग था, वो व्लॉग का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्लॉग था, उसमें हमने बहुत मस्ती की थी, हम सब कज़न्स वगैरह सब गए थे, और जो लोग कैमरा शाही है मेरी फैमिली में, जो बच्चे मतलब कज़न्स, वो लोग भी कैमरा के सामने बोल रहे थे इस बार, मतलब कि इतना मज़ा किया था, और सारे मूवमेंट कैप्चर किए थे हमने, मैंने उस व्लॉग में.
तो वो व्लॉग डिलीट हो, मुझे उसका बड़ा दुख, मुझे बहुत फील हुआ एंड में। मतलब रात को फिर मेरा मूड खराब था, फिर मैं ऐसे बैठ गई, रात को मैंने खाना भी इस वजह से नहीं खाया, मतलब मेरा मुझे भूख ही नहीं लगी, मेरा मन ही नहीं किया खाना वगैरह खाने का। ये नहीं कि मैं इसकी वजह से ऐसा अलग नहीं, मतलब ऐसे हो गया कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें वो मेहनत से वीडियोस बनाई, फिर एडिट की, फिर ये सब कुछ, और मैंने कल ही पहले सोचा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर लेती हूँ आज, और उसी के कुछ मुझे लगता 15-20 मिनट के बाद फ़ोन मेरा लॉक हो गया, मैं वो अपलोड भी नहीं कर पाई, वो सब कुछ वैसे ही, और अब तो वो डिलीट भी हो गया, वो रिकवर भी नहीं होगा। तो दिल्ली के जो मोमेंट्स हैं वो तो दिल में और दिमाग में यादें रहेंगी, बाकी वो हम कैप्चर करके दोबारा मैं यूट्यूब देख नहीं पाऊँगी, फ्यूचर में भी नहीं देख पाऊँगी। तो ठीक है, यही था मेरा कल का दुख जो मैंने आपको बताना था, और इस वजह से मेरी फ्रेंड मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, और सुमेश भैया तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ हाँ आ गया तुझे मजा ही, वो चलो ठीक है, जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। तो यही था मेरा दुख कल का। तो ये आज का जो ब्लॉग बनाया था, सोचा था इसमें थोड़ा सा हम कुछ इन्जॉय कर लेते हैं, वो भी मेरा मन नहीं था, उनका ही प्लान था, उनके साथ मैं गई, मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश फील होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा, जाती हूँ उनके साथ, तो फिर गए तो उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम, फैमिली के साथ होगी तो उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, ये व्लॉग हमारा यहीं तक था, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और यार व्लॉग को ना लाइक कर दिया करो ताकि मुझे समझ तो आए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि क्या मुझे चेंजेस करनी चाहिए यार, कैसा व्लॉग होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कुछ अपनी तरफ से राय दे दिया करो। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बाय। तो अभी तक मेरा दुख तो सारा सुन ही लिया आपने, ये अमरूद लाया था, इतना कड़वा है, अमरूद मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं, बट ये कड़वा है, पता नहीं क्या आजकल। हाँ, तो ये बताना भूल गई थी मैं ब्लॉग में कि मैंने मीशो से पार्सल मंगाया था, आजकल मीशो के मैं बहुत ज़्यादा हॉल, बड़े सारे हॉल वीडियोज़ देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा लेती हूँ कुछ, तो यह मैंने कोई पार्सल आया आज मेरा, मेरे कंटिन्यू 4-5 पार्सल आने हैं, अभी आज तो यही पहुंचा है, यही हमें रिसीव हुआ है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या है। यार बचपन में हम इसको टिक टिक बहुत करते थे, और किस किस को टिक टिक करने में बड़ा मजा आता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, बहुत मजा आता है, मतलब ये स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है, बिल्कुल मुझे बोला ही नहीं जा रहा था। ओके, तो मुझे लग रहा है ये कोई ज्वेलरी आई है मेरी, और क्या बताती हूँ पूरी, इसको बाद में बैठ के ना अलग से फिर इसके साथ करूँ। ओ वाओ यार, सीरियसली वाकई मीशो पे ज़रूर ट्रस्ट करूँ, क्योंकि मीशो बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहा है आजकल, ये मीशो ने मुझे ज्वेलरी, ये आप लोगों ने देखी ही होगी, जो लोग भी जो लड़कियां या लेडीज मीशो यूज कर रही हैं, ये देखो देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया एक स्पेशल ओकेजन के लिए, गोल्ड तो ऐसे हमारे पास सबके पास बहुत होता है, बट हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यार गोल्ड पहन के ना फिर बंदा टेंशन में रहता है, वो इसकी रखवाली करते रहो आप बैठ के, और ये है इयररिंग्स, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मीशो। बट ये इसका एक इसके बैक वाले आए हैं कि, तो दूसरे नहीं आए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, इतने में इतना ही मिलेगा भाई। तो ठीक है, यही बताना था मैंने कि मुझे ये आज पार्सल रिसीव हुआ, और ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सो, मैं भूल गई थी, अब तो ये पार्सल भी रिसीव हो गया, पार्सल को कर देते हैं वापस से पैक। तो लगता है अपने काम आज सा संडे, थोड़ा सा काम करना होता है, आपको पता है कि एक संडे ही मिलता है हमें, जो वर्किंग लोग होते हैं बेचारों को घर के सारे काम करने में, बर्तन तो डेली धुलते हैं, सॉरी कपड़े वगैरह धोने होते हैं, और बाकी साफ़ सफाई करनी होती है, वीकली वो अच्छे से हो सकती है, डेली तो इतनी बहुत अच्छे नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो चलिए धोते हैं बर्तन और करते हैं कपड़े साफ, सॉरी करते हैं बर्तन साफ और धोते हैं कपड़े, बाय। पागल हो गई हूँ मैं। लाइक करें, शेयर करें और